दोस्तों ये है अपने सरसों की खेत। इस टाइम सरसों फूल पर है और काफी सुंदर लग रहा है खेत। आज मैं अपने खेत पर था। खेत के करीब से ही नदी बहती है। आज भेड़ पालक भी अपनी भेड़ चराने आए तो मैंने उनको भी कैप्चर किया। और ये नदी सूखी भी है। नदी के सहारे एक चूहा आते हैं, चराते हैं। नदी सूखी है, ठंड का मौसम है, खेतों में सारा चला फसलें बोई है, इसलिए नदी के सहारे अपनी भेड़ों को चराते हैं। गन्ने में चले गए, गन्ने में ये देखिए भेड़ ऊपर से नीचे नदी में उतर रही है। भेड़ भी है, कुछ बकरियां भी हैं। यही इन भेड़ पालकों का रोजगार होता है। पीछे क्यों लौट आई है? पानी तो ना है आगे। जहाँ जानवर होता होगा वहां भी लौट जाती होंगी पीछे को। ये जानवर तक कहाँ लौट रही और वैसे है वो तो आगे चली गई। वीडियो भैया, वीडियो वीडियो आ जाओ। अच्छा जानवर से ना लौटती। हट जाओ पीछे को, हट जा रहा, ले लेता मुझे वीडियो बना दो। भेड़ बकरी इधर से जाने के बाद दोस्तों मैंने नदी को जो है खाली सूट भी किया है, दिखाने की कोशिश की है। बरसात के मौसम में नदी ऊपर तक चलती है। ये एक छोटी नदी है जो खेतों का पानी लेकर के आगे बढ़ती है और इस टाइम ठंड के टाइम में ये सूख जाती है। इस वक्त नदी का ये बहुत सुंदर दृश्य है। छोटी नदी है, बरसात में जो है ऊपर तक चलती है लेकिन सर्दी में ये सूख जाती है अक्सर। और खाली नदी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अपने इंडिया में भी बहुत खूबसूरती है।
सूखी नदी कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं नदी के अंदर चल रहा हूँ। ज़्यादा गहरी या ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, ये हमारे खेत के पास से गुजरती है। ऊपर हमारे खेत हैं। नदी कुछ दूर चलने पर घूम जाती है। कुछ चलते हैं, मोड़ आ जाता है, घुमाव आ जाता है। ये प्राकृतिक नदी है।